सो हेलो गाइज़ ये है पार्ट टू ऑफ मॉडिफाइड फ्लैकबर्ड गेम पिछले पार्ट में हमने इस गेम का ओवरव्यू देखा था कि इस गेम के लिए आपको क्या क्या आने चाहिए और फाइनल प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम बैकग्राउंड कैसे सेटअप करेंगे इस गेम का सिंपली ग्राउंड को कैसे लगाएंगे बादल से कैसे लगाएंगे और स्काई ब्लू कलर का ये इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए चाहे डेस्कटॉप पे या अपने किसी ड्राइव पे कुछ भी उसका नाम दे देना ठीक है और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फोल्डर और होने चाहिए एक इमेजेस नाम का फोल्डर होना चाहिए और एक होना चाहिए ऑडियो ऑडियो जिसमें हम ऑडियो में हम सारी ऑडियो रखेंगे जितनी भी हमारी गेम की ऑडियोज़ होंगी और इमेजेस में हम क्या करेंगे अपनी सारी इमेजेस रखें इसमें मैंने एक इमेज रखी है जिसका नाम दिया है स्प्राइट मैं इमेज दिखाता हूँ सो बेसिकली ये स्प्राइट इमेज है स्प्राइट नाम इसका क्यों दिया है क्योंकि स्प्राइट इमेज वो इमेज होती है जिसमें हमारे एक ही इमेज में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट है ग्राउंड भी हैं ये बादल से पाइप्स हैं गेट गैटरेड स्टेट है और गेम ओवर स्टेट है ठीक है तो बेसिकली ये एक ही इमेज के अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसके बाद आप क्या करिए अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन करिए ठीक है सबलाइन टेक्स्ट में क्या करिए सबसे पहले जाके अपना फोल्डर को इसमें ओपन करिए ओपन फोल्डर पे क्लिक करें और डेस्कटॉप पे जाइए और उसी फ़ोल्डर को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दें ये आपका फ़ोल्डर हो गया सिलेक्ट अब सबसे पहले हमने एच की फ़ाइल बना ली है तो ये हमारी फ़ाइल है इसको कंट्रोल एस करिए और वहीं डेस्क टॉप जाके उसी फ़ोल्डर के अंदर इसका नाम दे दीजिए इंडेक्स डॉट नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अभी के लिए मैंने इंडेक्स डॉट दे दिया है ठीक है अब हम अपनी कोडिंग शुरू करते हैं तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले एच टी एम एल का बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है तो पहले मैं क्या करूँगा लेस देन का साइन यूज़ करूँगा और एच लिखूँगा ये मेरा एच टी एच टी लिख दीजिए पूरा आ जाएगा जैसे ही मैं इस पर एंटर क्लिक करूँगा ये मेरे मेरा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा आई होप कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर आता है बट बत मैं बता देता हूँ फिर भी सबसे पहली लाइन है डॉक टाइप एच टी एम एल इसका मतलब कि हम एच टी एम एल का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें दैट इज़ एच टी एम एल फाइव ठीक है और उसके बाद है हमारा एच टी एम एल टैग ये है ओपनिंग टैग यह है क्लोजिंग टैग अब इसका मतलब क्या है क्योंकि मुझे टेक्स्ट एडिटर को बताना है कि मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो कौन सी लैंग्वेज का है तो इसलिए मैंने एच टी एम एल का क्लोजिंग ओपनिंग टैग यूज़ करा है एंड क्लोजिंग टैग यूज़ करा है और उसके बाद हमारा होता है हेड टैग हेड में बेसिकली हमारे पास टाइटल टैग इसके अंदर टाइटल टैग है और काफ़ी सारे और टैग्स भी यूज़ होते हैं जो हम आ, आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे और इसके अंदर हम फाइल्स को लिंक करते हैं वो भी आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे अब ऐसा समझ लीजिए ह्यूमन बॉडी की तरह है जैसे इंसान के क्या होता है हेड होता है बॉडी होता है सिमिलरली इसका भी है जो भी हम टाइटल में लिखेंगे ना वो हमारे ब्राउज़र में यहाँ पे दिखेगा जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है फ्लैपी बर्ड गेम तो यहाँ पे दिखेगा कि जो हमारा टाइटल है ठीक है अब हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना मॉडिफाइड फ्लैपी बर्ड गेम मॉडिफाइड फ्लैपी बर्ड गेम ठीक है और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ जैसे मैं सेव करूँगा और मैं फोल्डर पे जाऊंगा ये मेरी ब्राउज़र फाइल बन गया है इसको जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है मॉडिफाइड फ्लैपी बर्ड गेम ठीक है ये हमारी जो पुरानी जो हम बना चुके हैं गेम और ये जो हम बना रहे हैं मॉडिफाइड फ्लैपी बर्ड गेम अब सिंपली क्या करना है हम बॉडी पार्ट से शुरू करेंगे बॉडी में हम जो भी जो भी इसमें कोड लिखेंगे ना वो हमारी ब्राउज़र के यहाँ बॉडी में शो करेगा जैसे ये सब कुछ कलर वगैरह जो भी आ रखा है इस गेम में ये क्या कहते हैं ग्राउंड बादल बुदल जो भी आ रखे हैं सब कुछ बॉडी में है ठीक है सबसे पहले हमें चाहिए कैनवस एलिमेंट कैनवस क्या है एक फ्रेम की तरह होता है जैसे कि आपको ड्राइंग करने के लिए कैनवस चाहिए होता है ना ऐसे ही हमें गेम बनाने के लिए भी कैनवस चाहिए तो हम सबसे पहले कैनवस एलिमेंट लिखेंगे कैनवस और एंटर मारूंगा तो मुझे कैनवस एलिमेंट मिल जाएगा ये इसका ओपनिंग ये इसका ओपनिंग टैग है ठीक है ये इसका क्लोजिंग टैग है कैनवस का अब कैनवस के अंदर मुझे उसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है तो मैं यूज़ करूँगा हाइट प्रॉपर्टी हाइट प्रॉपर्टी अब मुझे कैनवस की हाइट सेट करनी है कि हाइट कितनी होनी चाहिए तो मैंने कैनवस की हाइट कर दी है सात पिक्सल और उसकी विर्थ सेट कर दूंगा मैं विथ सेट कर दूंगा एक पंद्रह सौ बीस पिक्सल वन फाइव टू ज़ीरो पिक्सल और ये हाइट एंड वर्थ के एट्रीब्यूट्स मतलब कैनवस एलिमेंट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ ब्राउज़र को ठीक है एक और एट्रीब्यूट हमने यूज़ करेंगे आईडी आईडी बेसिकली जावास्क्रिप्ट की जब हम अभी फ़ाइल बनाएंगे इस एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हम यूज़ करें इसको मैंने लिख दिया कैनवस के नाम से अब जब मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे मुझे कुछ दिखेगा नहीं बिकॉज़ क्यों नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने अभी इसकी स्टाइलिंग नहीं करी तो अब बेसिकली अब हम क्या करते हैं एक स्क्रिप्ट बना देते हैं जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं तो कंट्रोल एन दबाना आप जैसे कंट्रोल एन दबाओगे तो एक फाइल एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी उसको कंट्रोल एस दबा देना और इसी जगह जहाँ पर इंडेक्स और एच को आपने प्लेस किया था वहीं पर आपने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है मैं इसका नाम रख देता हूँ गेम डॉट जे एस जे एस की फाइल बनाई और इसको एंटर कर दिया अब फाइल तो बना ली अब उसको आपको एच टी एम एल के साथ लिंक भी करना है तो लिंक करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है स्क्रिप्ट टैग तो हम यूज़ करेंगे एस सी आर आई पी टी स्क्रिप्ट टैग और इसका ये होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम देंगे उसका एट्रीब्यूट मीनस एडिशनल इंफॉर्मेशन सोर्स कि मतलब जो मेरी फ़ाइल है जावास्क्रिप्ट की वो पड़ी कहाँ हुई है वो यहीं पे पड़ी है मतलब सेम फोल्डर के अंदर ही है तो मैं सीधा उस क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल का सोर्स दे दूंगा जो कि है गेम डॉट जे एस अब मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक कर ली सब कुछ कर लिया अब हम करते हैं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को शुरू करते हैं ठीक है सबसे पहले मुझे क्या करना है इस कैनवस एलिमेंट को इस कैनवस एलिमेंट को गेट करना है इस कैनवस एलिमेंट को गेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id और इसके अंदर हम देंगे आईडी उस एलिमेंट की आईडी है ठीक है इस एलिमेंट की आईडी अब बेसिकली करा क्या मैंने मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और एक एलिमेंट को गेट करना है आईडी के थ्रू जिसकी आईडी है कैनवस ठीक है ये कैमल केसिंग में होता है मतलब जी छोटा ई बड़ा फिर बी बड़ा आई बड़ा ठीक है ये ध्यान रखना अब इसको हम क्या करते हैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं वेरिएबल में स्टोर आप आग... तीन तरीके से कर सकते हो इधर वी आर की वर्ड यूज़ करके या कॉन्स की वर्ड यूज़ करके या लेट हम अभी यूज़ कर रहे हैं लेट कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं लेट देन वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया सी वी एस पीकल शू अब ये जो पूरी लाइन है ना ये मेरी इस वेरिएबल के अंदर आ गई मैं जब मर्जी यूज़ कर सकता हूँ अब हम एक दूसरी चीज़ कर रहे हैं अब मैं क्या कर रहा हूँ कैनवस मतलब जो मेरा कैनवस है डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट मैंने एक मेथड को कॉल करा गेट कॉन्टेक्ट उसके अंदर एक पैरामीटर पास करा है टू डी टू डी नाम का अब बेसिकली ये लाइन ये गेट गेट कॉन्टेक्ट मैथड आपको क्या करेगा आपको डिफरेंट मैथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ देगा जो कि हमारी गेम में गेम बनाने में हेल्प करेंगे तो ये वाली लाइन को बार बार लिखने की बजाय मैं इसको भी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ सो so, इसको हम वेरिएबल में बनाते हैं लेट सी टी एक्स कुछ भी आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं मतलब गेट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में मैंने इसको मतलब इस वेरिएबल के अंदर मैंने इसको स्टोर करवा लिया इस पूरी लाइन को ठीक है अब हमने क्या करना है सबसे पहले इस गेम का बैकग्राउंड सेट करना है ठीक है स्काई ब्लू कलर का सबसे पहले बैकग्राउंड सेट करते हैं दो फॉरवर्ड स्लैश जैसे आप लगाओगे तो कमेंट होता है मतलब ये ब्राउजर इसको कुछ नहीं रीड करेगा सिर्फ ये कमेंट है यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हमने यहाँ पे लिखा सेटिंग द बैकग्राउंड बैकग्राउंड ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ कैनवस कैनवस एलिमेंट की बैकग्राउंड सेट करना है ना तो मैंने लिखा कैनवस सी वी एस डॉट कैनवस पर क्या करना है मुझे स्टाइल करना है इसलिए स्टाइल लिखा डॉट क्या चेंज करना है उसका बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड ये भी कैमल कैसे होगा सी ओ एल ओ आर कलर इज इक्वल टू कलर का कौन सा कलर रखना है स्काई ब्लू सिंपली मैंने स्काई ब्लू कलर लिखा और सेमी कॉलर लगाया सेव करा अब ब्राउजर पे देखते हैं जैसे हम ब्राउज़र पे गए तो हमारे पास स्काई ब्लू कलर का कैनवस आ गया अपना ठीक है हाइट वेट सब कुछ सेट हो गया उसकी अब हमने क्या करना है यहाँ पे नीचे ये लगाने हैं क्या कहते हैं बादल और ये ग्राउंड लगाना है हमने तो ग्राउंड लगाने के लिए हम क्या करेंगे वापस से चलते हैं ठीक है यहाँ पर आ गए हम अब हमें ग्राउंड लगाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे मतलब जावास्क्रिप्ट में ना हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे इस गेम में आओ ये भी बर्ड एक ऑब्जेक्ट है ठीक है ये बादल भी एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने गेम में और ये ग्राउंड भी एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे यहाँ से वो आ रही है क्या नाम है ये पाइप्स भी ऑब्जेक्ट है और ये बॉल भी ऑब्जेक्ट है सब कुछ ऑब्जेक्ट है ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लोडिंग द इमेजेस अब यहाँ पे हम क्या करें जितनी भी इमेजेस है ना उनको लोड करना है तो पहले हमें क्या करना है एक इमेज का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है तो हम क्या करेंगे वेरिएबल लेंगे लेट ठीक है इमेज का जो भी आपने नाम रखना है मैंने लिख लिया स्प्राइट स्प्राइट इजी कॉल्स टू न्यू इमेज ये जावा स्क्रिप्ट में इमेज जावा स्क्रिप्ट में मैंने बेसिकली क्या करा है इमेज इमेज ऑब्जेक्ट बनाया है ठीक है इमेज का ऑब्जेक्ट बनाया और उसका नाम क्या है स्प्राइट ठीक है अब ऐसे समझ लीजिए न्यू मैंने क्या बनाया है एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है स्प्राइट ये इमेज बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर है ठीक है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट बनाया सिंपली अब ऑब्जेक्ट बना अभी तो ऑब्जेक्ट बनाया अभी मुझे इमेज का सोर्स देना है कि इमेज पढ़ी कहां तो एस पी आर आई टी स्प्राइट मतलब वो ऑब्जेक्ट के थ्रू स्प्राइट डॉट एस आर सी मतलब उसका सोर्स कहाँ पे है सोर्स है इमेजेस फोल्डर के अंदर ये देखिए इमेजेस फोल्डर के अंदर स्प्राइट डॉट पी एन जी आपने ऐसे ही लिखना है इमेजेस जब भी किसी फोल्डर के अंदर एंटर करना होता है तो हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं इमेजेस फोल्डर के अंदर स्प्राइट डॉट पी एन जी पी एन जी अभी हमारी इमेज लोड हो गई है बट अभी सिर्फ इमेज का हमने सोर्स दिया है मतलब इमेज का सोर्स दिया है अभी यहाँ पे ब्राउजर पे अभी ब्राउजर पे कुछ नहीं आएगा ठीक है अभी ब्राउजर ब्लैंक ही शो होएगा मतलब सिर्फ बैकग्राउंड ही शो होएगा क्योंकि अभी हमने ड्रॉ करनी है इमेज को ठीक है अब हम बनाते हैं अपना ऑब्जेक्ट ठीक है सबसे पहले बनाते हैं क्लाउड ऑब्जेक्ट क्लाउड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है एक ऑब्जेक्ट हमारी दुनिया में सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है पेन से लेकर सब पेन से लेकर पेपर टेबल सब कुछ ऑब्जेक्ट है उन हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका कोई फंक्शन है फॉर एग्जांपल पेन है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उसका कलर हो गया उसकी वर्थ होगी उसकी हाइट होगी ठीक है और उसका फंक्शन क्या है वो लिखने के काम आता है सिमिलरली अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई भी आप की यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने कह रहा लेट ठीक है अब मैंने क्या बनाना है क्लाउड तो ये मेरा हो गया नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं इस क्लाउड के कुछ प्रॉपर्टीज़ दूंगा और कुछ मैथड्स दूंगा ठीक है कि मैथड मतलब वो क्या क्या कर सकता है तो सबसे पहले हम करते हैं उसकी प्रॉपर्टी अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ ये आपको समझाऊँगा क्या लिख रहा हूँ सबसे पहले मैंने लिखा सो सॉरी सोर्स का एक्स एक्सिस मतलब जहाँ पे मेरी इमेज पड़ी है उसका ए, एस सोर्स का एक्स एक्सिस क्या है ज़ीरो ठीक है सोर्स का वाई एक्सिस ये भी ज़ीरो होएगा एंड हमारे पास वर्थ कितनी होगी वर्थ होएगी उसकी टू सेवेंटी फाइव पिक्सल टू सेवेंटी फाइव ठीक है और उसकी हाइट कितनी होगी हाइट होगी हमारे पास 220 ट्वेंटी पिक्सल एंड एक्सएक्सेज हम लेंगे ये भी सब समझाऊंगा टेंशन ना लो ज़ीरो और वाई एक्सेज में मैंने क्या करा वाई एक्सिस करा कैनवास डॉट हाइट माइनस टू ठीक है ये करा और हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा ड्रॉ मतलब फंक्शन बनाएंगे मेथड फंक्शन आप समझ सकते हैं की है ड्रॉ लिखा यह है नेम ड्रॉ है नेम ऑफ द फंक्शन और उसके बाद हमें फ़ंक्शन लिखना होता है कीवर्ड फंक्शन नहीं मैट फंक्शन फंक्शन बनाना होता है ठीक है और पैरेंथिस लगाएंगे और फिर कर ली ब्रेसिस अब हमने क्या करा है अब मैं समझाता हूँ ये मैंने क्या करा है ठीक है सबसे पहले हम इमेज पे चलते हैं अब जैसे ही अब मैं अब पहले ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको क्या हो रहा है अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि गेट कॉन्टेक्स्ट हमें डिफरेंट मेथड्स देता है और प्रॉपर्टीज देता है तो एक मेथड देता है सी टी एक्स डॉट ड्रॉ इमेज मतलब मुझे इमेज हेल्प ड्रॉ करने के हेल्प करता है ये काफ़ी सारे पैरामीटर लेता है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ क्या है पैरामीटर सबसे पहला पैरामीटर लेता है स्प्राइट मैं स्प्राइट कह रहा हूँ नेम ऑफ़ द इमेज एस पी आर आई टी जो हमारा नेम ऑफ द इमेज क्या है स्प्राइट ठीक है ये और फिर उसके बाद लेते हैं सोर्स का एक्स एक्सेस मतलब सोर्स मतलब जहाँ हमारी इमेज पड़ी है फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारी इमेज है इमेज़ फोल्डर के अंदर ये इमेज है तो मतलब ये इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं तो मैंने ये वाली इमेज लगानी है पहली वाली ये वाली इमेज लगानी है ठीक है ये ग्रीन वाली तो क्या कहते हैं ये एक्स एक्सिस से कहाँ पे है अब मैं आपको पेंट में इसको दिखाता हूँ कि आपने एक्स एक्सिस वगैरह इसके वेड थाइड नापना कैसे है तो सबसे पहले जैसे ये बैक आई है जैसे आप इमेज खोलोगे ना कंप्यूटर पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा प्रिंट पे क्लिक कर देना और पेंट पे जाना पेंट में जाके इसको सिंपली पेश कर देना जैसे आप पेश करोगे ना उसके बाद इसको क्रॉप कर लेना पूरी इमेज को यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉप कर लेना और व्यू पे जाओगे व्यू में जाके यहाँ पे अब रूलर पे टिक कर देना तो रूलर आ जाएगा हमारा जो आपको बता देगा इसके वेट तो अब मुझे ये वाली इमेज लगानी है ठीक है ग्रीन वाली इमेज तो इसके एक्स एक्सिस से देखो बिल्कुल ज़ीरो है चिपकी हुई है इमेज और वाई एक्सिस से भी ज़ीरो है अब एक्स और वाई एक्सिस क्या होते हैं एक्स एक्सिस होते हैं ये वाली पोजिशन हमारी ठीक है ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये वाली पोजिशन को हम कहते हैं वाई एक्सिस ये होती है हमारी वाई एक्सिस की पोजिशन अब एक्स एक्सिस से ये जीरो और वाई एक्सिस से भी ज़ीरो है अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है सोर्स का एक्स एक्सिस कितना है ज़ीरो सोर्स का वाई एक्सिस कितना है जीरो अब है वर्थ वर्थ मैंने कितनी करी है दो सौ पचहत्तर पिक्सल कहाँ गई इमेज वर्थ क्या है कितनी दो सौ पचहत्तर पिक्सल जैसे वैसे जूम करो ना यहाँ देखना अब मैंने इसकी कितनी सेट कर रखी है दो सौ पचहत्तर पिक्सल अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने इस इमेज की दो सौ पचहत्तर पिक्सल तो यहाँ से ही यहाँ तक दो सौ पचहत्तर पिक्सल ले लेगी ले, जितना भी आएगा ये दो सौ पचहत्तर पिक्सल ले लेगी ठीक है और मैंने इसकी हाइट कितनी दी है 220 पिक्सल तो ये यह यहाँ से यहाँ तक 220 पिक्सल हाइट अपनी ले लेगी इमेज 220 पिक्सल हाइट ले लेगी ले और यहाँ से कितने ले लेगी दो ले? सौ पिक्सल वर्थ अपने ले लेंगे अब ये वाला जो एक्स एक्सेक्सेस है मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये वाली जो प्रॉपर्टी है, है ये है डेस्टिनेशन ये तो था सोर्स का मतलब हमारी इमेज पड़ी का है अब डेस्टिनेशन का एक्स एक्सेक् मतलब ये जो हमारा स्क्रीन है जहां हम गेम बना रहे हैं यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस से कहाँ पे रखनी है इमेज को हमने तो इमेज रखनी है नीचे को नीचे रखनी है और एक्स एक्सेस बिल्कुल चिपकी हुई है मतलब ज़ीरो तभी मैंने एक्स एक्सिस से क्या करा है यहाँ पर दिया है ज़ीरो अब वाई एक्सिस से आपको कितना रखना है वाई एक्सेस से मैंने क्या करा है यहाँ लिखा है कैनवास डॉट हाइट माइनस टू ट्वेंटी अब इसका मतलब क्या है मुझे इमेज को प्लेस करना है यहाँ पर नीचे बिल्कुल कोने में नीचे प्लेस करना है और मैं ये वाली पोजिशन को गेट कैसे करूँगा तो ये वाली पोजिशन को समझते हैं गेट कैसे करना है कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या ये मेरे पास क्या है कैनवस है पूरा ठीक है कैनवस की अपनी कोई हाइट है जो कि हमने हाइट दी थी 715 पिक्सल ठीक है कैनवस की हमने हाइट दी थी 715 पिक्सल अब मेरे पास मुझे ये वाली इमेज लगानी है ठीक है इस इमेज की अपनी भी कुछ हाइट है और उसकी हाइट है 220 पिक्सल अब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे इस पोजीशन पे आके इस पोजीशन पे आके ये वाली इमेज प्लेस हो जाए तो सिंपली मैं क्या करूँगा जितनी मेरी कैनवस की हाइट है उसमें से मैं माइनस कर दूँगा किसकी हाइट इसकी हाइट जो मेरा ऑब्जेक्ट है जो मेरे क्लाउड की हाइट है इसको मैं वो कर दूँगा माइनस कर दूँगा तो सेवन फिफ्टीन माइनस टू ट्वेंटी जैसे हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा फ़ोर नाइन्टी फाइव पिक्सल फ़ोर नाइन्टी फाइव पिक्सल आ जाएगा तो मतलब ये ये वाली जो मेरी इमेज है यह नीचे को आके सेट हो जाएगी यहाँ पर नीचे को आके सेट हो जाएगी अब हम करते हैं ड्रॉ इमेज को ड्रॉ करना है ठीक है तो ये काफ़ी सारे पैरामीटर लेते हैं ये वाला फंक्शन सबसे पहला पैरामीटर हो गया स्प्राइट मतलब कि इमेज जो हमारी है जो हमने यहाँ नाम दिया है स्प्राइट ठीक है और दूसरा पैरामीटर लेता है सोर्स का एक्स एक्सएक्सेस मतलब जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी है उसका एक्स एक्सेस तो मैंने लिखा दिस डॉट एस एक्स अब दिस का मतलब क्या है दिस की वर्ड यहाँ पर रेफर कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को और डॉट का मतलब मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करने कौन सी प्रॉपर्टी एस एक्स तो यहाँ पे इसकी जगह क्या जगा? जीरो आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा ठीक है पैरामीटर की इसकी, इसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा मतलब कि दिस डॉट एस एक्स का मतलब है ज़ीरो ठीक है दिस की जगह आप क्लाउड पूरा नाम भी लिख सकते हो अगर आप चाहो बट दिस अच्छा लगता है ठीक है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के अंदर ही काम कर रहे हैं तो दिस दिस मतलब पर्टिकुलर उसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं जैसे हम कहते हैं ना दिस इज़ अ बुक मतलब दिस यहाँ पे किसको रेफ़र कर करी बुक को सिमिलरली ये दिस किस को रेफर करा यहाँ क्लाउड को कॉमा दिस डॉट एस वाई मतलब सोर्स का वाई एक्सेस जो, जो जीरो है ठीक है कॉमा दिस डॉट वर्थ विर्थ कितनी है उसकी ठीक है टू सेवेंटी फाइव पिक्सल कॉमा दिस डॉट हाइट उसकी हाइट कितनी है ठीक है उसकी हाइट है टू ट्वेंटी पिक्सल अब ये तो हो गया सोर्स की जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी अब डेस्टिनेशन के लिए करते हैं ठीक है दिस डॉट एक्स मतलब ये एक्स एक्सिस जहाँ पे मुझे अपनी स्क्रीन पे कहाँ पे एक्स एक्सिस से कितनी पोजीशन पे रखना है ठीक है कॉमा दिस डॉट वाई दिस डॉट वाई मतलब कि वाई एक्सिस से मुझे कितनी पोजीशन पे रखना है ये भी मैंने समझाया आपको कि हमने ये कैलकुलेट कैसे करा ठीक है, है और दिस डॉट वर्थ मतलब डेस्टिनेशन पे उसकी वर्थ कितनी होनी चाहिए सेम ही होनी चाहिए जितनी हमारी सोर्स की है और दिस डॉट हाइट ठीक है और सेमी कॉलन से हमने एंड कर दिया ठीक है तो ये ये बेसिकली आ गया पूरा तो हमने ये क्या कर लिया अभी ऑब्जेक्ट बना लिया उसकी प्रॉपर्टी सेट कर ली फंक्शन अब मुझे इसको फंक्शन को कॉल करना है फंक्शन को कॉल करना है बेसिकली अब जब कैनवस पे कोई भी इमेज को क्या कहते हैं हमने प्रिंट करवाना है ना तो वो एक बार कॉल करने से नहीं प्रिंट होती है हमें उसे बार 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 कॉल करवाना होता है ताकि यूज़र को लगे कि वो इमेज वहीं पे है मतलब स्टिल वहीं पे है जबकि ऐसा नहीं है वो बार बार फंक्शन कॉल हो रहा है ये हम देखते हैं कैसा हो रहा है तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख रहा हूँ लूप फंक्शन हम एक फंक्शन बनाएंगे ठीक है फंक्शन बनाने के लिए आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है फंक्शन फिर फंक्शन का नाम लूप और पैरेंथिस और उसकी बॉडी अब यहाँ पे मैं एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ ध्यान से देखना आर ई क्यू यू ई टी रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम ये एक फंक्शन होता है जो पैरामीटर लेता है फ़ंक्शन का नाम अब जैसे मैंने फंक्शन का नाम लिखा लूप अब ये क्या होगा मैं एक बार इस फंक्शन को कॉल करूँगा लूप नाम के जैसे मैं नीचे कॉल करता हूँ लूप नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा जैसे ही मैं तो क्या होगा एक बार ये फंक्शन कॉल होएगा जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ये इसके अंदर जाएगा और ये देखा रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम क्या करता है ये एक पैरामीटर लेता है फंक्शन का नाम तो मैंने इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया ये फंक्शन को जैसे जैसे इसका नाम है रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम मतलब एक सेकंड में हमारे जितने भी पीसी लैपटॉप में जितने एक सेकंड में जितने फ्रेम आते हैं उतनी बार कॉल करेगा एवरेज हम मान के चलते हैं पचास फ्रेम आ रहे हैं तो ये पचास बार इस फंक्शन को कॉल करेगा मतलब वो इतना तेज़ होता है यूज़र को समझ भी नहीं आएगा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जब भी हमें कुछ कंसोल पे प्रिंट करवाना होता है ना तो हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग कंसोल विंडो पे मैं दिखाऊंगा अभी कौन सी होती है कंसोल विंडो और उसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो कुछ भी लिखता हूँ ठीक है हेलो लिखा कंट्रोल सेव करा और वापस गए वहाँ पे राइट क्लिक करोगे इंस्पेक्ट पे क्लिक करना और कंसोल पे जाना देख रहे हो ये हेलो कितनी बार कॉल हो जा रहा है कॉल हो जा रहा है एक एक सेकंड में एवरेज हम मान के चल रहे हैं पचास बार कॉल हो रहा है तो देखो बार 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 कॉल हो जा रहा है ठीक है अब वापस चलते हैं अब इस लाइन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इसी फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा एक फंक्शन को कॉल करा ड्रॉ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट अभी मैं पूरी ट्राई करूँगा पूरा समझ आ जाए ड्रॉ अब ड्रॉ फंक्शन को क्यों कॉल करा आप कहोगे फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन कॉल करी जा रहा है मैं समझाता हूँ अब हमने यहाँ पे लिखा फॉर ड्रॉइंग कुछ भी लिख दो डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी ठीक है हम जितना भी जैसे अब मैं यहाँ पे क्लाउड ड्रॉ कर रहा हूँ फिर ग्राउंड ड्रॉ करूँगा तो मैं कॉमन फंक्शन बना रहा हूँ ड्रॉ नाम से जिसके अंदर हम सबको इकट्ठे कॉल मतलब एक ही फंक्शन के अंदर सबको कॉल करेंगे अब क्योंकि मुझे इमेज को ड्रॉ करना है उसको कॉन्टिन्यूसली बार 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 कॉल करना है तो मतलब मैंने लूप के अंदर ही लूप फंक्शन के अंदर कॉल कर दिया एक फॉर फंक्शन को अब जैसे ही लूप फंक्शन कॉल होगा एक बार ये ड्रॉ अपने आप कॉल हो जाएगा ठीक है ड्रॉ फंक्शन कॉल होएगा अब ड्रॉ फंक्शन के अंदर क्या करना है मैंने इस वाले को कॉल करना है इस फंक्शन को जो इस क्लाउड का फंक्शन है क्लाउड का फंक्शन तो सिमिलर मैं क्या लिखूँगा क्लाउड डॉट मतलब क्लाउड के अंदर एक मेथड है फंक्शन है जिसको मुझे एक्सेस करना है ये वाला इसका नाम क्या है ड्रॉ ही नाम रखा है हमने ड्रॉ पर क्लोज और सेमी कॉलर तो अब समझे क्या हो रहा है कि लूप मैंने एक फंक्शन बनाया वो लूप बार 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 अपने आप को कॉल करी जा रहा है ठीक है और उसके अंदर मैंने ड्रॉ करा तो जैसे ही पहले मैंने यहाँ पे लूप को कॉल करा वो इधर आएगा ठीक है इधर से नीचे आया नीचे के बाद क्या होगा उसे दिखेगा ड्रॉ फंक्शन तो ये ड्रा पे जाएगा ठीक है ड्रॉ पे गया इस फंक्शन के यहाँ पर इसको दिखेगा क्लाउड डॉट ड्रॉ फिर वो यहाँ पर आएगा और इस इमेज को यहाँ पर वो कर देगा क्या कहते हैं स्क्रीन पर पे पे पेंट कर देगा फिर देखा रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम है दोबारा से लूप यहाँ इस फंक्शन पे जाएगा लूप फंक्शन फिर से ड्रॉ पे जाएगा इस पे जाएगा ड्रॉ फंक्शन पे और देखे क्लाउड डॉट ड्रॉ एक कॉल आ रखी है और फिर वो दोबारा यहाँ पे जाएगा ड्रॉ फंक्शन पे और ये इमेज को ड्रॉ कर दिया देखते हैं कि इमेज ड्रॉ हुई भी है नहीं तो आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर इमेज आ गई हमारी ठीक है सिंपली यहाँ पर इमेज आ गई बट आपको यार ये तो इमेज इतनी बड़ी है और ये यहाँ पर क्या दिखा दिया इसने सिमिलरली हमने क्या करा है वहाँ पे इसी इमेज को बार, बार 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 रिपीट करा है ठीक है अब रिपीट करना देखते हैं कैसे होता है एक बार इसको कॉल करा अब इसको दूसरी बार भी कॉल करते हैं इसको कॉपी करते हैं ठीक है और यहाँ पे पेश कर देते हैं पेश कर दिया अब यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे सिर्फ इसकी एक्स एक्सिस की, की पोजीशन चेंज करनी है ताकि वो इस पोजीशन पे आ जाए ठीक है एक्सिस की पोजीशन को चेंज करना ताकि वो इस पोजीशन पे एक और इमेज आ जाए वाई एक्सिस से तो क्योंकि सेम ही रहेगा एक्स की चेंज करनी है तो उसके लिए मैंने क्या करा ये देखो ये तो सोर्स का एक्सिस सेम रहेगा सोर्स का वाई एक्सिस भी सेम रहेगा ठीक है सोर्स का विथ भी सेम रहेगा सोर्स की हाइट भी सेम रहेगी ये डेस्टिनेशन का एक्स एक्सिस तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है एक और चीज़ लिखता हूँ सॉरी दिस डॉट एक्स लिखा हुआ है ना प्लस दिस डॉट वर्थ अब ये क्या है एक्स एक्सिस ही है पूरा मतलब इसका जो रिज़ल्ट है वो एक्स एक्सिस आएगा अब इसका रिज़ल्ट क्या है मैंने यहाँ पे क्या लिखा है दिस डॉट एक्स प्लस दिस डॉट अब ये है क्या दिस डॉट एक्स क्या है हमारे पास जीरो ठीक है और दिस डॉट वर्थ कितना है टू सेवेंटी फाइव मतलब टू सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी फाइव प्लस जीरो तो कितना हो गया टू सेवेंटी फाइव पिक्सल इसको समझते हैं ठीक है अब इसको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्या है बेसिकली ये कैनवस है ठीक है और ये हमारे पास ग्राउंड है अभी जितना हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया है इमेज को ठीक है इस पोजीशन पे सेट कर दिया इमेज को अब मुझे क्या करना है इसकी इसकी कुछ अपनी विर्थ है टू सेवेंटी फाइव पिक्सल ठीक है इसकी विर्थ है मुझे वाई एक्सिस से तो सेम रहेगी पोजीशन ठीक है एक्स एक्सिस से पोजीशन चेंज करनी है और मुझे इस पोजीशन पे आके इसको सेट करना है तो इस पोजीशन पे सेट करने के लिए मैंने वहाँ पर लिखा है दिस डॉट एक्स प्लस दिस डॉट वर्थ अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब है जीरो प्लस टू सेवनटी फाइव दिस डॉट एक्स का मतलब था वहाँ पे ज़ीरो ठीक है और दिस डॉट वर्थ थी टू सेवेंटी फ़ाइव तो टोटल हमारे पास कितना हो गया टू सेवेंटी फाइव पिक्सल टू सेवेंटी फाइव पिक्सल मतलब एक्स एक्सिस से टू सेवनटी फाइव पिक्सल पे एक और इमेज डाल दो ठीक है सिमिलरली दो इमेज़ के लिए हो गया अब हम करते हैं थर्ड इमेज के लिए देखते हैं थर्ड इमेज थर्ड इमेज कैसे आएगी ठीक है इसको कॉपी करा दोबारा से ठीक है और इसी को पेश कर दिया अब इसको पेश करा मुझे एक्सएक्सेज में ही चेंज करना है तो मैंने यहाँ पे क्या करा ये दिस डॉट वर्थ लिखा है ना इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट लगाए यहाँ पे, ठीक है टू मल्टीप्लाई बाय दिस डॉट वर्थ अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या करा है हमने इतना हमने समझ लिया था ये भी हो गया था ये भी गया था ठीक है अब हमने लगानी थर्ड इमेज थर्ड इमेज के लिए मैंने क्या करा ज़ीरो मीन्स दिस डॉट एक्स प्लस प्लस टू मल्टीप्लाई बाय दिस डॉट विड्थ मतलब दो गुना कर दो उसको अब तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 550 पिक 550 फिफ्टी पिक्सल जो हमारी थर्ड इमेज होएगी वो आ जाएगी 550 फिफ्टी पिक्सल पर और वो इसके आगे सेट हो जाएगी ठीक है so, सो अब हम जाके देखते हैं सेव करते हैं एक बार तो आप देख सकते हो फर्स्ट इमेज आ गई सेकेंड इमेज आ गई थर्ड आ गई सिमिलरली फोर्थ के लिए फिफ्थ के लिए सिक्स के लिए सो so, आप क्या कर सकते हो कंट्रोल वी दबाओ और यहाँ पे एक सेकेंड इसको ठीक है अब यहाँ पे क्या करा टू से मल्टीप्लाई करा ना इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो जैसे मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूँगा दोबारा जाऊँगा रिफ्रेश करूँगा एक और आ जाएगी सिमिलरली अब इसको क्या करो फोर से मल्टीप्लाई कर दो मैं एक एक करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है अरे यार ठीक है एक और इमेज आ गया अभी थोड़ी सी पोजीशन और है तो हमें एक और इमेज सेट करनी है तो एक और इमेज के लिए हम क्या करेंगे इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया सो so, अब हमने इतना सेट कर लिया अपनी ठीक है अब हमने क्या सेट कर लिया स्काई ब्लू हमने बैकग्राउंड लगा लिया नीचे बादल से लगा लिए बिल्डिंग जिसमें दिख रही है सब कुछ अब हमने क्या सेट करना है ग्राउंड लगाना है आज का हमारा लास्ट टास्क ये है कि हमने एक ग्राउंड लगाना है ग्राउंड कैसा लगेगा सेम जैसे हमने बादल लगाए हैं कुछ नहीं करना सिंपल वैसी सब कुछ वैसे ही लगेगा थोड़े से चेंजेस होने हैं ठीक है यहाँ पे हमने क्लाउड ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका हम रखेंगे ग्राउंड ऑब्जेक्ट ग्राउंड ऑब्जेक्ट इसको पूरे को कॉपी करो और इसके बाद पेश कर दो अब इसके सोर्स के एक्स एक्सिस और सोर्स के वाई एक्सिस वर्थ में हाइट में इनमें चेंजेस आएंगे ठीक है इनमें क्या चेंजेस आएंगे कि अब एक्स एक्सिस से जो उसकी पोजीशन है वो है 276, 276 क्योंकि जो हमारी इमेज है वो एक्स एक्सिस से तो आगे है ना ये देखो ये इमेज यहाँ पे है मेरी ये ग्राउंड मेरा ये है ना तो एक्स एक्सिस से मैंने पहले ही मेजर रख लिया टू सेवेंटी सिक्स पिक्सल है ठीक है यहाँ से मतलब ये एक्स एक्सिस से टू सेवेंटी सिक्स पिक्सल है और वाई एक्सिस से तो ज़ीरो ही रहेगी ठीक है टू सेवन वाई एक्सिस से ज़ीरो और इसकी जो वर्थ है वो है टू ट्वेंटी फोर पिक्सल टू ट्वेंटी फ़ोर पिक्सल और इसकी जो हाइट है हाइट है वन वन टू पिक्सल वन वन टू पिक्सल और मतलब डेस्टिनेशन का एक्स एक्सिस डेस्टिनेशन का एक्स एक्स से जीरो ही रखना है क्योंकि चिपका हुआ है नीचे से बिल्कुल जीरो एक्स से जीरो और वाई एक्स से कुछ पोजीशन सेट करनी है तो वाई एक्स कैसे सेम अब पोजीशन को सेट करेंगे सेम जैसे पहले सेट कर रहा था कैनवस की जितनी भी हाइट है उसमें से मैंने उस इमेज की हाइट को माइनस कर दिया था सिमिलरली यहाँ पे कैनवस की जितनी भी हाइट है उस इमेज की हाइट से माइनस कर दो तो दैट इज़ वन वन टू वन वन टू पिक्सल को माइनस कर दो ठीक है बाकी सब सब कुछ सेम रहेगा ठीक है और अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है और इस क्लाउड की जगह आपको ग्राउंड करना है जी आर ओ यू एन डी नाम आप कुछ भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट का अब इसको कॉल करना है अब समझ आएगा आपको कि हम मैंने ड्रॉ फंक्शन क्यों बनाया क्योंकि एक ही फंक्शन के अंदर सारे इकट्ठे हो जाएंगे ड्रॉ के ड्रॉ जितने भी ड्रॉ करने हैं उसको यहाँ के कॉल कर लो सिमिलरली मैंने क्या लिखा ग्राउंड ड्रॉ और ग्राउंड डॉट ड्रॉ जैसे ही ड्रॉ फंक्शन लिखा सेमी कॉलम दबाया कंट्रोल एस दबाया और स्क्रीन पे गए ये देखिए यहाँ पे आ गया ये अब यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन कम आ रही है क्योंकि इसकी विर्थ कम है ना सी बात है फिर कम ही आएगा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे एक और बार फंक्शन को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इसको कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट डी से क्या होता है कि जो पिछली लाइन है उसकी उसी को रिपीट कर देता है ठीक है अब फाइव की जगह सिक्स कर देंगे इसको और जब दोबारा से स्क्रीन पर आएंगे तो ये पूरा तो हमने बेसिकली क्या कर लिया बैकग्राउंड सेट कर लिया बादल सेट कर लिए ग्राउंड सेट कर लिया आज का टास्क हमारा इतना ही था जो मैंने आपको स्प्राइट इमेज दिखाई है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अब वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेना आप सब कुछ चेक करके देख लेना एक्सेक् अपने हिसाब से सेट कर लेना आपको जितनी इमेज चाहिए मतलब वर्थ उसकी कम करनी है हाइट उसकी कम करना है जो भी हाइट करना है व्यर्थ हाइट अब यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी यहाँ पर मार्जिन आ रही है ये मार्जिन आ रहा है ना स्क्रीन पर ये मार्जिन को कैसे सेट करें तो इस मार्जिन को सेट करने के लिए आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे आए और हेड के अंदर एक टैग यूज़ करते हैं हम स्टाइल टैग स्टाइल टैग यूज़ करते हैं स्टाइल टैग के अंदर बेसिकली ये स्टाइल टैग क्यों यूज़ करते हैं सी एस के लिए कास्केडिंग स्टाइल शीट मतलब जब हमने अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल करना होता है तो हम इस एलिमेंट को यूज़ करते हैं ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ मुझे बॉडी की स्टाइलिंग करनी है बॉडी के जो मार्जिन है ना बॉडी बॉडी का मार्जिन उसको मुझे करना है जीरो जैसे ही मैं ये लिखूँगा ना मतलब बॉडी को मैंने यहाँ पे बॉडी टैग को टारगेट करा है उसकी उसको टारगेट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी क्या है मार्जिन मार्जिन उसकी प्रॉपर्टी है और उसको कुछ वैल्यू दी है मैंने क्या वैल्यू दी है ज़ीरो और जैसे ही मैं ये करूँगा बिल्कुल चिपक गया सब कुछ बिल्कुल सेट हो गया इमेज अब हमारे स्क्रॉल भी नहीं हो रहा सब कुछ सेट हो गया तो गाइज़ आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में